आखिरी वीजा मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको मुझे नहीं पता कि रेहान साहब को कितनी अच्छा तरह से जानते हो, लेकिन रेहान साहब को सबसे बड़ा मसला रहा है वीजा का दुनिया में। तो उसकी इंस्पिरेशन वीजा मैनेजमेंट सिस्टम की हुई थी। वीजा मैनेजमेंट सिस्टम में काम ये होता है कि इस वक्त दुनिया में कहीं का वीजा अप्लाई करना है, जैसे यूके ने लेटेस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है कि ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको एम्बेसीज के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फॉरियन करनी पड़ती हैं। तो वीजा मैनेजमेंट सिस्टम इज अ वे फॉर ऑल दोस्त कि आप ऑनलाइन जाएँ और ऑनलाइन अप्लाई करें उस कंट्री का वीज़ा। तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज अवेलेबल, इस वक्त से वही अवेलेबल जो हमारे साथ इंटीग्रेटेड है, क्योंकि उसमें वीज़ा की बात है तो उस पर इंटीग्रेशन की जहाँ बात आती है वहाँ पे ज़रूरी है कि उस कंट्री के कोई ना कोई आपके पास हो बंदा। किस किस कंट्री का सर आप? इस वक्त अच्छा होता ये है कि उसके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक तो आप किसी और का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल एज एन एजेंट मैं किसी और का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता, किसी न किसी पॉइंट पे आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब आपको इतनी इन्वॉल्वमेंट रखनी है तो मैं खुद जाके कर लूँ, मैं थर्ड पार्टी से क्यों करूँ? मुझे इतनी इन्वॉल्वमेंट करनी है तो आई डोंट आई गो वैसा वाई शुड आई गो हेल्प यू। इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक प्रोपोजिशन है उन लोगों के लिए कि भाई प्लीज़ के आप ये देखें जापान शिफ्ट किया, लेकिन जब तक मलेशिया वालों ने जापान शिफ्ट किया उस वक्त तक उसकी सारी वेंस
की खराब हो गई थी और हुआ कुछ यूँ की क्योंकि डॉक्टर्स के पास किसी भी डॉक्टर के पास हिस्ट्री नहीं थी उसकी, हेड टू इवेंचुअली रमज़ान में रमज़ान की शुरुआत में उसकी बॉडी पर यहाँ शिफ्ट की थी और यहाँ पर इंतकाल हुआ था, मतलब इंतकाल हुई यहाँ पर बॉडी में शिफ्ट हुआ। बट द पॉइंट वॉज क्या, वजह क्या बनी, वजह ये थी कि किसी भी डॉक्टर के पास उसकी हिस्ट्री नहीं थी कि उसके साथ आज तक हुआ क्या। अगर उसकी हिस्ट्री होती तो मोस्ट प्रॉब्ली कि वो आज हमारे साथ ही हुआ, तो उसकी इंस्पिरेशन हमारी नॉलेज है और हेल्थ मैनेजमेंट का काम है कि आपकी जितनी भी हिस्ट्री है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है हेल्थ से रिलेटेड, लेट्स गेट इट ऑनलाइन, ताकि दुनिया में कहीं भी आपको जाना हो, अगर आपको समझ नहीं आया कि यार डॉक्टर की लाइन भी वैसे ही तो मुश्किल होती है, तो आप ऑनलाइन जाके आप डॉक्टर को दिखा रहे देख लीजिए, वो डॉक्टर ही परेशानी। इसी तरह डॉक्टर सलीम मारफानी होते हैं हमारे यहाँ पे, उनके पास गया था पिछले हफ्ते या दो हफ्ते पहले, तो उन्होंने बोला यार मुझे, मैंने हर जगह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लगाया हुआ है, तो मैं अपने क्लिनिक पे आता हूँ, इस क्लिनिक में यहाँ अलग डेटा बेस है, दूसरे क्लिनिक पे आता हूँ वहाँ अलग डेटा बेस है, मैं इसको मर्ज कैसे करूँ। उन्होंने हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, आप अपने हर कस्टमर का एक यूनिक आई डी बना दें ताकि वो लॉगिन होकर देख सके और आपकी भी इन्फॉर्मेशन एक सेंट्रल डेटा बेस में सेव करें। आगे बढ़ते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ स्कूल सबको पता है रियान स्कूल मोस्टली एस एम एस पे काम कर रहा है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में भी हमारा आइडिया ये था कि शुरुआत में लोग आए, जो टीचर है वो साइनअप करे, जो स्कूल साइनअप हुआ है तो जितने भी बच्चे सारे साइनअप हैं तो उनके पेरेंट्स देख सकते हैं कि बच्चा स्कूल पहुंच गया नहीं पहुंचा, अटेंडेंस लगी हुई है लगी हुई उसकी। अगर टीचर को कुछ कम्युनिकेट करना है तो डेली बेसिस पर हमारे कम्युनिकेशन ही होती टीचर और पेरेंट्स की, तो हमने बताया पेरेंट टीचर मीटिंग के अलावा भी कुछ कम्युनिकेशन होनी चाहिए डेली। तो डेली मीटिंग किस तरह होगी कि उसने टीचर ने होमवर्क यहाँ भी अपडेट कर दिया कि होमवर्क क्या है, तो माँ बाप को पता चल जाएगा कि क्या काम हो रहा है, क्या काम करना है उसने, वो माँ बाप को ही नहीं बता सकता कि नहीं ये तो काम ही नहीं बता, हम क्या करते यार आप ही चलो ना सब को नहीं ले देते, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का काम ये है कि भाई सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, जो भी डेली लाइफ में होता है वो सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, रिजल्ट्स हो गए सब कुछ ऑनलाइन। इसके आगे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो यहाँ तो बहुत कम बिल्डिंग रेंट होती है, लेकिन नॉर्मली दुबई में या सिंगापुर में होता क्या है कि पूरी की बिल्डिंग रेंट पे, और अगर आपको शिकायत करनी है तो गजा बन जाता है, तो आप शिकायत अब किस तरह कर सकते हैं ऑनलाइन, रेंट की पेमेंट देनी है किस तरह कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपके बराबर वाला कुछ हरकत कर रहा है फोटो खींची ऑनलाइन पोस्ट कर दी बिल्डिंग की मैनेजमेंट को, खुद ही वो नोटिस लेंगे। आगे बढ़ते हैं टेक्सटान, टेक्सटान एक टेक्नोलॉजी मैगजीन है, यहाँ पर कितने लोगों को टेक क्रंच का पता है, टेक क्रंच एक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी मैगजीन है, वो बहुत आगे बढ़ चुका है माशाल्लाह। तो इसी तरह हमारी एक टेक्नोलॉजी टेक्सटान का काम ये है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो वहाँ अपडेट हो रही होती है, ये टेक्सटान का काम, चाहे वो फिर एक आई टी एक्सपोर हो, चाहे कोई नया मोबाइल आए, कोई नया फीचर आए, तो टेक्नोलॉजी का मैगजीन है बेसिकली, इन सिंपल वर्ड्स एक न्यूज़पेपर है जिसमें मोस्टली टेक्नोलॉजी की बात होती है। इसके आगे मंटू है, मंटू मैं ख्याल है शायद मैं सबको बता देता आप नहीं थे, मंटू एक वीडियो प्रोडक्शन हाउस है जिसमें हम डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं, तो जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी जैसे आपने बताया कि आपने ऑनलाइन देखा है तो सब मंटू का काम है। अगर सर किसी और से होगी तो उसके लिए पे करना पड़ेगा, यानी पेड है ये अपनी, तो यानी आपकी जितनी फर्म की है वो सारी तो बनाते हैं पेड है, लेकिन अगर मुझे एक सर्विस चाहिए होगी तो उसके लिए पेड फ्री नहीं है, नहीं तो इट्स नॉट फाउंडेशन पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी स्टॉक। इसके आगे paki.com है, paki.com इज अ फेसबुक फॉर पाकिस्तानीज। इसके आगे टीवी पाकिस्तान है, टीवी पाकिस्तान इज पाकिस्तानी यूट्यूब। तो फायदा क्या है, क्यों भाई पाकिस्तानी फेसबुक बनाने का, पाकिस्तानी यूट्यूब क्यों बनाया हुआ है, यूट्यूब है तो टीवी पाकिस्तान बनाने की क्या फायदा, तो टीवी पाकिस्तान बनाने का फायदा ये है कि दो फायदे हैं सबसे बड़े,
if you are uploading one thing on YouTube with the same name on TV Pakistan, जब तुम Google पे सर्च करोगे तो TV Pakistan के रिजल्ट आ रहे हैं कि TV Pakistan was bought when YouTube was never bought. मतलब YouTube का कॉन्सेप्ट जब नहीं आया तब से TV Pakistan बाय किया गया है. तो Google जो पहले लाएगा जिसका रिजल्ट वो लाएगा TV Pakistan. और दूसरा फायदा TV Pakistan पे अगर आप कोई चीज़ स्ट्रीम करेंगे पाकिस्तान में बैठ के और YouTube पर करेंगे तो TV Pakistan वाला जल्दी स्ट्रीम हो जाएगा. कंडीशन ये होगी कि आप google.com.pk से सर्च करें तो नहीं दोनों में नहीं मैं बता रहा हूँ बस चेक करना पड़ेगा सर मैं साथ साथ सर्च कर रहा हूँ मैं वीडियो सर्च कर रहा हूँ और YouTube का रिजल्ट भी जो करेगा वो TV Pakistan करेगा. उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि गूगल ने देखा कि यार सबसे पहले कौन सा बाय किया था, YouTube बाय हुआ था कि TV Pakistan बाय हुआ था. मैं खुद SEO एक्सपर्ट हूं तो मैं इसी सब ज्यादा अच्छा बता सकता हूं कि गूगल कभी भी ये चीज नहीं देखेगा. मैं रीजन बता रहा हूं आपको .pk पे इसलिए पहले नहीं रहेगा क्योंकि इट्स नॉट tv.pakistan.com.pk. तो गूगल में एल्गोरिथम लगा हुआ है, एल्गोरिथम में बिल्कुल अगर उसमें उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, अगर वो आपने पहले बाय किया हुआ है तो वो पहले दिखाएगा. इसी तरह अगर munibipar.com पहले बाय हुआ है और कोई और डोमेन बाय में बात किया हुआ है तो जो मुनीब आप सर्च करोगे तो मुनीब पहले किसका दिखाएगा अकॉर्डिंग टू हर लेटर. मुनीब उसका पहले दिखाएगा जहाँ पे वो पहले लिस्ट हुआ है, जहाँ पे पहले बाय हुआ है. सर मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं इसी बेसिस पर आपको बता रहा हूँ कि TV Pakistan पहले शो करेगा. बहरहाल यू आर द विनर. बाकी पे हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो जाते हैं बोलते हैं पैसे नहीं रखते मुझे में. तो हमने बाकी पे उन लोगों के लिए बनाया है कि जो लोग जाके ठेले वाले को पैसे देना नहीं चाहते वो जाएंगे आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये मोबाइल नंबर है तो SMS के थ्रू पैसे दे दिए. किस तरह SMS के क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिया. और कोई भी हमारा मेम्बर जिसके पास बहुत सारा क्रेडिट हो गया वो तो क्रेडिट हमें भेज सकता है, आके वो हमें रीचार्ज कर सकता है कि भाई ये क्रेडिट ले लो और पैसे दे दो. टास्क मैनेजर, जितने भी लोग यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं उन सबको पता है कि यार इतनी टास्क होती है कि सब भूल जाते हैं यार टास्क कौन सी थी, कब कौन सी मीटिंग, कितनी ईमेल्स हैं. तो टास्क मैनेजर का काम ये है कि CC में टास्क मैनेजर को रख दें तो वो CRM के ऊपर आ जाएगी. तो जब तक के हिना या रखानी कोई उसको टिक मार्क नहीं कर लेगा कि भाई ये कर लिए तब तक वो ख़त्म नहीं होगी टास्क. तो इट विल बी लिस्टेड, नेवर बी इनविजिबल, कोई गायब नहीं होती, लॉस्ट नहीं होती. HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हम सबको पता होगा. हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए यूनिक है, उसमें कस्टमाइजेबल फीचर्स हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, एवेल्यूएशन की रिपोर्ट अलग है, पता चल जाता है कौन क्या काम कर रहा है, उसकी टास्क खुद ब खुद उसका एवेल्यूएशन चल जाता है कि यार आज इतनी टास्क उसको इशू हुई थी. अब हुआ क्या, टास्क मैनेजर से वो इंटीग्रेट हो गया, यार इतनी टास्क मिली थी इसने कर ली आज की आज ही, तो उसको क्या बेनिफिट हुआ, उसकी वैल्यूएशन अच्छी हो गई. एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट जब उसका इंक्रीमेंट का टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली पता जाएगा ये तो बहुत अच्छा लग गया सारे काम से टाइम पे लग गया. गार्ड मैनेजर, कितने लोग यहाँ एग्जीबिशन में गए हैं, कितने गार्ड्स मिलते हैं, कौन संभालेगा. मैंने बोला गार्ड मैनेजर के थ्रू सारे गार्ड्स आप स्कैन कर दें एक दफ़ा दुनिया में तो वो CSV फॉर्मेट में सेव हो जाएगा या वी कार्ड के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा और वो कार्ड फिर आप उस फॉर्मेट को आप आराम से अपने सेलफोन के अंदर इम्पैड कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, गूगल कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्ट कर सकते हो. तो आप आसानी से अपने सेलफोन के ऊपर ला के उसको आपके सेलफोन के डेटाबेस में आ जाएगा. सुपर फैक्स, जिस तरह वर्चुअल फोन लाइन है, वर्चुअल फोन लाइन आपको ट्रांसफर कर दी आपके PSTN के ऊपर या स्काइप के ऊपर, लेकिन सुपर फैक्स का काम ये है कि आपने पूरी दुनिया में एक फैक्स नंबर दे दिया कार्ड के ऊपर, कोई भी उस नंबर पे फैक्स भेजेगा तो आपके पास ईमेल के ऊपर आ जाएगा वही फैक्स. अब इसके ऊपर हम तीन कंट्रीज के नंबर देते हैं, US, फ्रांस और लंडन. क्या करता है, सेल करता है या बाय करता है. बाय किनसे करता है, मोबिलिंग जैसी कंपनीज को. सेल किसको करता है, स्काइप जैसी कंपनीज को. तो आज सब DIDS के कस्टमर्स में इंक्लूडेड है IBM, गूगल, ये सब DIDS कस्टमर हैं एज ऑफ राइट नाउ जिनको मैं हैंडल करता हूँ. दूसरा हो गया वर्चुअल फोन लाइन, इसका काम B2C नहीं है, इसका काम B2B नहीं है, इसका काम B2B भी है, B2C भी है, दोनों. बट ये होलसेल नहीं है, इट्स अ रिटेल सर्विस.
तो मेरे कार्ड में ख्याल किसी को भी नहीं मिले। फादर अपने यूएस वाले कार्ड ले आओ तो है क्या, उसमें मेरे विजिटिंग कार्ड पे 212 का नंबर है, यूएसए का नंबर है। जब भी कोई उस यूएसए के नंबर पे कॉल करता है तो इट रिंग्स ऑन माय सेल फोन, जहाँ भी मैं दुनिया में हूँ। तो हमने इसलिए ये किया कि इस वक्त हमारे पास अगर DIT से 60 कंट्रीज के नंबर अवेलेबल हैं, तो हमने उन नंबर्स को वर्चुअल फोन लाइन पर लिस्ट करवा दिया कि जिसको भी खरीदना है वो नंबर सही दें। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस यूएस के अंदर है तो आप अपने जो भी कस्टमर्स हैं या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको यूएसए का नंबर दें, और जब भी यूएसए का नंबर डायल करेंगे इट विल रिंग ऑन वेयर एवर यू आर इन द वर्ल्ड, चाहे आप पाकिस्तान में हो चाहे आप कहीं भी हो। कॉल डाइवर्जन है कॉल डाइवर्जन टू पाकिस्तान या जहाँ भी आप हो। इसी तरह हमने एक ऑफर से न्यूज़ बता दी कि सिंगापुर में बजेगा या स्काइप पे बजेगा या गूगल पे आपको बजेगा। इज इट एथिकल और और अगर जर्मनी हैंडटेक्स में जाता हूँ, जर्मनी का कोई कस्टमर बोले यार पाकिस्तान से ले रहा हूँ कपड़ा, तो ये तो अनएथिकल हो गया कि यार तुम्हारी गलती है, तुम पाकिस्तान से ले रहे हो कपड़ा, तुम्हें तो चाहिए जर्मनी की कंपनी से लो, बी जर्मन बाय जर्मन। तो इस तरह मतलब ये है ना, इस तरह से है भाई बिजनेस है ना। हां ये तो सही है, ये तो हम तो और कह रहे हैं कि नंबर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी नंबर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस का एक्सपोर्ट बढ़ गया, यूएस के नंबर एक्सपोर्ट हो गए, ये तो और बेनिफिट हो गया, ये तो सुपर एथिकल हो गया, इकोनॉमी को फायदा हो गया। कैरियर एक्स हालांकि होता तो यूएसए का नंबर है, तो जैसे आपका न्यूयॉर्क का नंबर है, तो न्यूयॉर्क का नंबर बज रहा है पाकिस्तान में आपके मोबाइल की सिम पे, तो होगा ये कि जब वो यूएसए से हैंड ऑफ होगा हमारे सर्वर से, तो हम उसको हैंड ऑफ करेंगे किसी ना किसी टर्मिनेशन कैरियर को, वो टर्मिनेशन का कैरियर पाकिस्तान में अपना पार्टनर ढूंढेगा, और पाकिस्तान में उसका टर्मिनेशन पार्टनर है PTCL, तो वो PTCL को देगा और PTCL वाले आगे मोबाइलिंग को देंगे कि भाई ये जो नंबर है SCP में जा रहा है, कस्टमर प्रोसेस इक्विपमेंट में जा रहा है, तो वो वहाँ ट्रांसफर कर देगा। सो बेसिकली दे ऑल लिंक्ड, it's not like only one person is getting all the fayda, sabhi ko hona hai, everyone is equally, the whole chain is linked, yeah. aur ye jo career exchange hai wo jo termination ki baat ho rahi hai uski market hai, jis tarah DID exchange DID number ki market hai, termination ki market bhi hoti hai jis tarah aapne bataya na usko fayda ho raha hai sabko, to wo jo fayda hai uski market yahan pe career exchange ki। इसके बाद प्रोडक्ट आ जाती है PBX, IBPBX, PBX कितने लोगों को बताया गया आप? Thank you for calling ABC Bank. Yeah. Please dial 1 for sales, plus 2 for customer service. इसको कहते हैं IVR, Interactive Voice Response. Normally ये PBX में यूज हो रहा होता है। हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है कि हम IBPBX के नाम से लॉन्च किए 5 साल से और इसके कस्टमर्स भी हैं। Why IP PBX and why not PBX? What's the difference between them? तो traditional PBX में क्या हो जाता है, अगर शरफाबाद पे ऑफिस है तो शरफाबाद में एक डब्बा ले जाता है एक्सटेंशन का, उसमें PTCL की लाइनें लगती थी अल्लाह ना करे सब। हम बोलते हैं नहीं, आप तो ऑफिस चाहे पाकिस्तान में हो, आप तो चाहे ऑफिस US में हो या हर जगह हो, आपके पास होना एक PBX चाहिए, हर जगह डब्बे नहीं लगना चाहिए। हमने बोला बस आप ये कर लीजिए हर जगह पर इंटरनेट जरूर लगवा लीजिए, तो हम आपको इंटरनेट पर एक्सटेंशन दे देंगे। तो हमारे पास एक कंपनी है जो जिसका कॉल सेंटर इंडिया में और जिसका दूसरा बैक ऑफिस यूएस के अंदर है, यूएस के अंदर भी। तो हम क्या करते हैं यार 1001 डायल करो तो गणेश से मिल जाएगा इंडिया में, लेकिन 2002 डायल करोगे तो वहाँ अमेरिका में रिकी उठाएगा। इसी तरह जो हमारी खुद की है कंपनी से बड़ी टेक्नोलॉजी, उसमें भी यही होता है, सुजैन का एक्सटेंशन है, हमारा एक्सटेंशन है, तो हमारा के पाकिस्तान में बैठे हैं लेकिन हमारा एक्सटेंशन डिफरेंट है। तो ये IPPBX वो चीज़ बेचती है जिसके अंदर IVR हो गया, कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, ये सब हो गया।
सुपर आईपीआर डॉट नेट। सुपर आईपीआर बेसिकली जिस तरह इस वक्त हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाती है किसी ना किसी डीएसटी पर, सुपर आईपीआर ये नहीं है। सुपर आईपीआर से हमने दो प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, एक टेली मेडिसिन का। टेली मेडिसिन में ये था कि अगर आपको बुखार हो रहा है या आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है तो आप ये नंबर डाल करें और ये पहनी हुआ है, ये नंबर डाल करेंगे तो आपको एक आईपीआर मिलेगा, थैंक यू फॉर कॉलिंग टेली मेडिसिन, प्रेस वन अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, प्रेस टू अगर आपको ये हो रहा है, प्रेस थ्री अगर आपको ये हो रहा है, वो दबाएंगे तो वो दूसरी कंडीशन बताएगा। अगर आपको सर के आधे हिस्से में दर्द हो रहा है और आपको पूरे सर में दर्द हो रहा है फिर वो दबाएंगे तो आपको डॉक्टर वहाँ पर बताएगा कि भाई आप ये खा रहे हैं, और ये सब पहले से रिकॉर्डेड है। तो सुपर आईपीआर में जो स्टार्ट हुआ था वो ये हुआ था कि लोगों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, बीमारी कौन से नंबर पे आएगी ये नहीं है। तो अगर आप पहले से बताएं कौन से नंबर को प्रेस करना है, तो आपको पहले से बताएं कौन से नंबर पे जाना है। इसी तरह हमने जियो के लिए स्टार्ट किया था और टॉम के लिए स्टार्ट किया था इसी को, उसमें होता था कि लेटेस्ट न्यूज आप सुन सकते हैं, इस नंबर को डायल किया और लेटेस्ट न्यूज सुनते हैं। आईटीएसपी वॉनेज किसको बताया क्या होता है, वर्ल्ड कॉल का टेलीफोन जो है वर्ल्ड कॉल ब्रॉडबैंड टेलीफोन वो पता है। वर्ल्ड कॉल ने जब अपनी सर्विस स्टार्ट की थी तो शुरुआत में सिर्फ इंटरनेट प्रोवाइड करता था, बाद में उसने केबल और टेलीफोन सर्विस भी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, तो वो जो फोन बेच रहा था वो इंटरनेट के ऊपर बेच रहा था, ब्रॉडबैंड के ऊपर बेच रहा था। तो अगर किसी को भी दुनिया में ऐसी सर्विस स्टार्ट करनी है या वर्चुअल फोन में ऐसी सर्विस स्टार्ट करनी है जैसे मैंने पहले बताई है, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं वाई केबल सर्विस। ये नाम आपका होगा nrtel.com, लेकिन काम वही कर रहा होगा जो वर्चुअल फोन लाइन करता है या वर्ल्ड कॉल ब्रॉडबैंड टेलीफोन करता है। सुपर फोन इट्स अगेन इट्स सेम सर्विस लाइक वर्ल्ड कॉल का ब्रॉडबैंड टेलीकॉम बट विद आवर ब्रांड, एंड द बेनिफिट टू कनेक्ट विद अस इज यू विल गेट 50 कंट्री नंबर्स, यू वोंट गेट वन कंट्री नंबर, एंड द प्राइसिंग विल बी अमेजिंग नॉट लाइक वर्ल्ड कॉल। आगे बढ़ते हैं अर्थ एसएमएस। अर्थ एसएमएस कितने लोगों को बताएं, किसी को बता स्वाइप के लोगों को, तो अर्थ एसएमएस का काम ये है कि SMS आपको फ्री में आप कर सकते हैं किसी को भी। तो अगर याद हो तो बहुत पहले हमारे यहाँ पे निकलते थे, पहले डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट होती थी, हम वेबसाइट पे जाते थे किसी भी मोबाइल के नंबर पे SMS करते थे किसी स्कूल में, आज जैसे गूगल वॉइस के थ्रू हम कितने SMS कर सकते हैं किसी भी मोबाइल के नंबर पे, तो उस टाइप की सर्विस है कि आप जाएँ साइन अप करें और SMS करें इसको करने के लिए। अब इसी तरह इसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बल्क में SMS करने अपने कस्टमर्स को या हमें हारियों को जो किसानों हैं हम सबको बल्क में SMS करने हैं, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, अर्थ SMS करते हैं, सबके नंबर फीड कर दिए और लाइन में SMS चलेगा। शायद कुछ है अगर कुछ समोसा भी ले रहा है ले हो तो मैंने अच्छे एंथुसियास्टिक तरीके से सुन रहे हो बात, तुम डिस्टर्ब करो समोसा तो बाद में क्या है समोसा कहीं नहीं आ रहा पहुंचा। अच्छा जी उसके बाद है हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम की जितना भी रिहान हेल्थ है या रिहान स्कूल है इस सब की स्टार्टिंग जो है ना वो यहाँ से ही, बाद में हमने बता नहीं यार लेट्स डू इट फॉर फ्री लेट्स डू इट फॉर एवरीवन। हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का ये इसकी इंस्पिरेशन थी, हमारे साथ एक काम करते थे लोधी हुमायूं लोधी साहब जो मेरे साथ और शायद के साथ होते थे, बड़े जबरदस्त लड़के थे, जब बीच नहीं करवाए तो बॉस आपको ऐसी जगहों से गुजार देंगे कि विच विल एक्चुअली मेक यू समथिंग विच विल यू विल फील प्राउड कि हाँ। उसके बाद 3 हफ्ते मैंने सिंगापुर में अकेले गुजारे थे उनके बगैर, डिफरेंट कस्टमर्स के पास जाना है डिफरेंट लोगों के पास जाना, और सोचो मैं दाढ़ी में होता था तो जब लोगों के पास जाता था तो पहला इंप्रेशन उनका क्या होता था, लेकिन जब मैं डीएडी से कार्ड देता था जब कुछ देता था तो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को कहाँ से कहाँ पहुँचता होगा, और जो मेरी जहनीत और परसेप्शन बने होंगे
उसके साथ कितना खिलवाड़ होता होगा, क्या ये वो कह रहा है. तो इट रियली फील्स गुड व्हेन यू वर्क फॉर अस, यू विल रियली फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ. क्योंकि यू विल फील प्राउड ऑफ योर कंपनी, व्हाट यू आर वर्किंग फॉर, एंड यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि यार वाकई मैंने कुछ अचीव किया. मेरा ख्याल से इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी काफ़ी है मेरे बारे में. तो अब मैं आ जाता हूँ टेक्नोलॉजीज की प्रोडक्ट्स के हवाले से, जो आप लोगों को मेन बताने के पर्पस का मिला है. मोशन सुपर टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट अब तक कौन कौन देख चुका है?
एक दिन उन्होंने भाई यार ये पता नहीं ताइवान की कंपनी क्या बेची है, लेट्स गेट दिस एंड लेट्स सेल इट आउट। एक ऐड दे दिया उर्दू देसी अखबार में, जुम्मे के बाद एक जुम्मे की नमाज के बाद वो अखबार पढ़ता था, लोगों के कॉल्स आना शुरू हुई और इतनी कॉल्स आना शुरू हुई कि वो मसला हो गया हैंडल करना। एक वक्त था कि जी न्यूज़ में भी हमारी ऐड चल रही होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक डब्बा था सुपर फोन का जो भेजते थे जिससे लोगों को आसानी पड़ती थी कॉल करने में। इस तरह स्टार्ट हुआ, इसमें अब शिपिंग की ज़रूरत आई, शिपिंग एक बॉस की दोस्त बन गई थी पेंसिलवेला में सुजैन गोविल, और ये बात बता रहा हूँ आपको 99 से पहले की। तो सुजैन बोले यार आप शिफ्ट कर दिया करो डब्बे, ऑल यू नीड टू डू इज शिफ्ट इट। लेटर ऑन जब उनके पार्टनर से नहीं बनी तो उन्होंने अपनी कंपनी एक और ऑपरेट कर ली सुपर फूड के नाम से, दे केम टू पेंसिलवेला, वहाँ उन्होंने ऑफिस खरीदा सब कुछ खरीदा और लेट्स स्टार्ट अ प्रॉपर बिजनेस, और 99 में इनकॉर्पोरेट हुई हमारी कंपनी। इस वक्त हमारी जो पानी प्रोडक्शन अगले कंप्यूटर चल रहे हैं वो ये है, उन्होंने मुझे हर जगह से यही सुनने को मिलता था
अगर किसी ने कॉल सेंटर में काम किया हो, क्या पूरी दुनिया में अभी मिले तुमको फोन करने के लिए, ये वो फायर मार्शल यार पता नहीं क्या बात है, मैं कुछ खराब कह रहा हूँ तो। फिर हमारे पास एक होती थी सुजैन मोहन नाम की मैम, वो US में होती। मैंने एक हफ्ते बाद एक एक घंटा उनसे बात करना शुरू किया और रिहान साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया। रिहान साहब तो कराची में नहीं थे, वो आए, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छा मजे की बात ये थी, मेरी अच्छा मेरे जो बड़ी बहन है वो सीनियर में पढ़ाती हैं, लेक्चरर हैं, उन्होंने AKD सिक्योरिटीज में जॉब भी की हुई है, अच्छा खासा वास्ट एक्सपीरियंस है। मेरे जो बहनों ही हैं वो इनबॉक्स के अंदर हैं, वो स्टार वॉर्स से कनेक्ट रहे हैं, और सारे जो हमारी फैमिली के अंदर हैं ना सारे वो अच्छी अच्छी चीज़ें चीज़ें जमा होते। तो मेरे दिमाग में था यार मेरे से क्वेश्चन होगा तुमने क्या पढ़ा हुआ है और कितना आता है और जॉब से रिलेटेड। यार तुम कैसे आदमी हो, तुम नमाज का तो मैं कर लगे, तुम्हें नमाज का शौक है, तुम सबको नमाज पढ़ाओ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंटरव्यू खत्म होने के यार उन्होंने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है, क्या किया हुआ है, या मतलब ऐसा कोई कि जो वाकई हमारे यहाँ पे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दिस फोकस वॉज हाउ विच वॉट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तुम कितने अच्छे आदमी हो। फिर मेरे CA फाउंडेशन की पेपर आया, मैंने CA फाउंडेशन की पेपर दी, उसके बाद एक और वापस प्राइम आ गया CA फाउंडेशन के बाद। CA वॉज गेटिंग टफ पेपर आया गवर्नमेंट में प्रोफेशनल आया। यहाँ से चलते चलते फिर 2 महीने बाद ही मैं नाइट शिफ्ट में आया था, मैं होता था और शाह साहब होते थे रात में। 2 महीने बाद ही सुबह कोई सेशन था और शाहिद को सुबह जाना पड़ा, मैं अकेला रात में। क्या हो गया इसको, 2 महीने भी नहीं हुए, वो रात में मैं अकेला बैठा हुआ कैसे संभालूंगा ये सब। शायद उन्होंने कुछ नहीं फोन कर दिया, कोई मसला होगा। ठीक है शायद जी, पहला दिन आया, पहले दिन ही कस्टमर, तुम ये कह लो मेरा नंबर नहीं चल रहा, मेरा हम लोग एक सुपर फोन अनलिमिटेड के नाम से डिवाइस बेचते थे। ऐसा आप बोल करें मैं बता रहा, मैंने उसका कॉल बैक नंबर लिया है, कॉल शायद भाई क्या मसला है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि यार हमारे यहाँ पे है ना बचपन से माँ बाप हमें गलतियाँ करने नहीं देते, बोलते नहीं यार लेट्स ये बेटा ये सही नहीं कर रहा ये कर लो। तो जब तक आप उस सिचुएशन में आओगे नहीं ना तब तक आप सीखोगे नहीं जिंदगी में। जब आप उस आपको उस सिचुएशन में फेंका जाएगा तब आप तब पता चलेगा कि आप कितने पानी में। हमारे यहाँ मौजी साहब यही कहते ना, जैसे मैं जिनसे बैठ हूँ वो कहते बेटा जब तुम गाने सुन रहे होगे या कहीं ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ गाने चल रहे हैं और तुम बाद में गाने खुद नहीं सुनोगे या वहाँ से चले जाओगे, दैट एक्चुअली शोज कि हाउ गुड यू आर व्हेन इट कम्स टू ईमान, तो ईमान के बारे में कितना सीरियस हो। कमिंग बैक टू मेन पॉइंट, ये हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए ये किया गया, वो कस्टमर भी बढ़ गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अगली कॉल में। उसके बाद मुझे पहली दफ़ा दुबई भेजा गया और मैं अपनी 3 महीनों का इकलौता भाई, मैं नवाब हूँ, मैंने ना आज तक मैं काम किया है ना मैंने कभी खाना पकाया है ना कुछ किया है। वहाँ जाके रिहान साहब ने वही जाते हुए आपसे नहीं करवाएंगे बोला बेटा ये क्या कहते हैं बाथरूम थोड़ा खराब किया, वो जाओ साहब मैं तो गया भी नहीं था मैं नहीं बॉस, मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं किया, मैंने आदमी को हाथ ही लगाया, मुझे पता भी नहीं कि लाला क्या है, कहते हैं इस तरह है। बोला यूट्यूब खोलो उस पर देख लो, लेकिन साफ तो तुमने कहना। मेरे साथ एक और साहब थे, मैंने बोला बॉस मैं अपने असिस्टेंट को कह देता हूँ वो कर देता है, करना तो तुमने कह दिया। 5-10 मिनट की बहस के बाद मैंने पानी पिया, यूट्यूब किया, बाथरूम में घुसा, बाथरूम साफ किया, ठीक है गुड है। बॉस ये होता क्या है अब, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक रहा है वो 3 में भी ज्यादा रहा है, तो मुझे बताइए पुराने जमाने में ना आजकल के तो मुरीद कुछ ज्यादा ही इनोवेटिव है, वो बोलते हैं पीर साहब अस्सलाम वालेकुम, लेकिन पुराने जमाने में होता क्या था कि बाथरूम क्या पता नहीं क्या क्या कराते थे तस्किया नफ्स करने के लिए, ईगो को मारने के लिए। यार ये क्या कर रहा है, ये बात समझने में मुझे 2 महीने लगे कि यार पहले तो मुझे ये हुआ
मैं इकलौता बेटा मुझसे ये कर रहा है, दुबई इसलिए लाए थे। लेकिन बात मुझे समझ अच्छा नहीं, इसलिए ये सेकंड ये करेंगे ना। यू आर इकलौता, दैट्स व्हाई यू पार्ट द चांस टू फ्ली ने दुबई का ऑप्शन। दुबई का ऑप्शन दुबई का तो है। नहीं बेटा वहां से आगे से बस चलती है, वहां से जाओ बस। एंड जो पहला एक्सपीरियंस था ना बस में बैठा, अजीब सा बस में बैठा, कन्वेंशन सेंटर पहुंचा, किस तरह पहुंचा अल्लाह को पता। और शारजा से दुबई अगर कोई गया हुआ यहाँ पे तो बहुत लंबा सफर है। तो ये बाद में पता चला ये सारी चीजें होनी चाहिए थी पहले ही हमेशा, ताकि पता चले कि यार होता क्या, कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्डअप होता है। और मैंने बहुत सारे लोगों से दोस्ती की जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। उसके बाद मेरे साथ एक और आया, मैं सिंगापुर गया, मैंने बोला बहुत मैं सिंगापुर पहली दफा जा रहा हूँ, मैं कहाँ रहूँगा। अच्छा ये 2-3 साल पहले की बात है, उस वक्त तक मैं बहुत सब मिजाज सब समझ चुका था और अच्छा खासा नर्चर हो चुका था। उन्होंने बोला बेटा तुम यूथ हॉस्टल में रहोगे। मैं यूथ हॉस्टल, मैं और यूथ हॉस्टल पता नहीं कल्ले होते होंगे बंगाली होते होंगे, मैं नहीं रहूँगा। बोला बेटा तुम बुकिंग तो कराओ। अच्छा मेरे माइंड में दिमाग बन गया था, मैंने बोला मैं अपने पैसे खर्च करके बोले अब्बा की बड़ी पॉकेट पर मिलती है, मैं अपने होटल में रहता हूँ। मैं यूथ हॉस्टल बुक कराया, वहाँ गया तो उन्हीं का फोन, एयरपोर्ट पे फोन आया, बेटा पहले तो जाओ तुम्हारे पास सामान बहुत है तो तुम जाओ कन्वेंशन यहाँ से डायरेक्ट, और वहाँ जाके पहले सेटअप कर दोगे। और एक और गोरा भी आया था अमेरिका से, तो मैं और गोरा उसको बुलाया मैंने अमेरिकन को, और मैंने उसके साथ मिल के बूथ सेट किया। फिर मैंने दो दोस्त बनाए, पहले तो मैंने बैंकॉक एयरपोर्ट पर ही दोस्त बना लिए थे जिसने मुझे कन्वेंशन से टिकट ड्रॉप किया, और जिस तो वहाँ से मैंने और दोस्त बनाए, तो वो मुझे यूथ हॉस्टल का रास्ता, वहाँ पे ट्रेन चलती है MRT के नाम से, वो मुझे वहाँ ले गया। अब यूथ हॉस्टल में जब मैं घुसा तो मैंने बोला यार ये तो रास्ता, उसने बताया यहाँ से जा रहे थे एक कल्लू का इलाका, साउथ इंडियन इलाका था, सिंगापुर में भी साउथ इंडियन की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो सोचा ये आपके लिए यूथ हॉस्टल है, यार ये तो फिजिकल फेसबुक लग रहा है, ये तो सारे गोरे कल्ले तो नहीं है। एंड जो मैं गुस्सा, तो वो जो एक्सपीरियंस था ना, आई कांट ड्राइव दैट इन वर्ड्स, यार वो इम्प्रेशन क्या था हुआ गया। और फिर मुझे लेटर में समझ आया कि क्यों कहा गया, हालांकि उसके अगले दिन ही मैं रात में पहुंचा था और सुबह मैं होटल में चले गया था, सुबह ही होटल चले गया था नयान साहब के पास। लेकिन वो ये भी तो कह सकते थे कि यार अगले दिन पहुँचना, लेकिन ऑल दैट एक्सरसाइज वॉज टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। तो हमें बचपन से सिखाया था यार यहूदी खराब होते हैं, यहूदी खराब होते हैं, यहूदी खराब होते हैं, यहूदी खराब होते हैं। इस पूरे रूम में सबसे ज़्यादा जिद्दीनेश मुझे आती है इस वक्त, सिर्फ सिंगापुर के एक्सपीरियंस की वजह से। क्योंकि मैं जा रहा था वहाँ इसराइली पवेलियन था, मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, यार इसराइली पवेलियन मैं देखूँ तो सही बात तो करूँ। मैं रुका, एक दाढ़ी वाले साहब थे, उनके भी दाढ़ी वाले साहब थे, अच्छा उनमें भी दाढ़ी है। मैं रुका, मैंने बोला चलो माशा में उस टाइम भी उसी में जाते हैं, बस इतनी आती थी भाई कहे थी उसको ले, उस टाइम बोला कहाँ जा रहे हो, बोला नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अरे यहाँ नमाज क्या है, अच्छा वो अब तक ये समझ रहे मैं यहूदी हूँ, हाँ मुस्लिम ट्रेड तो वो, अच्छा ओके वेरी सेड ऑब्स्ट्रक्शन, अच्छा तो पहली इंप्रेशन हुआ। तो इसी तरह वहाँ पे आफ्टर द कन्वेंशन पार्टी हुई, उसमें एक यहूदी दोस्त बनी, वो बहुत से ज़्यादा मेरी अच्छी दोस्त है, सिर्फ यहूदी बोलने के ऊपर, सिर्फ उस व्यू पे क्या है ये ज़्यादा मुस्लिम है और फिर भी यहूदियों से नफरत नहीं करता। ये बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं वर्क इन छपर टेक्नोलॉजीज, आपको चाहते हो मैं ये करूँगी आज व्हाट कीप्स यू डूइंग। वो है समवेयर, तो वो है कि मैं और तो करना चाहती हूँ, नहीं आया ऐसी कोई चीज ड्राइव नहीं कि मैं जिंदगी में ये करना चाहती हूं। देख मैं खुद की एनजीओ खोलना चाहती हूं और उसके लिए और तक ले काम करना चाहती हूं, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी। अच्छा सर आप
My name is Vikas Lakhani. I'm working as an SEO executive in the racing company. And marketing and management मैं भी कर रहा हूँ recently मार्जिन यूनिवर्सिटी से. और पैशन की जहाँ तक बात है तो पैशन ये है कि टू सर्व ह्यूमैनिटी बिल्ड एंड ग्रो. मेरा ये पैशन है कि मैं चाहूँगा कि लोगों को मैं बिल्ड कराऊँ ग्रो कराऊँ अपनी जितनी मैं फुल एफर्ट दे सकूँ. इसके अलावा मैं आपकी एक बात से बहुत डिसएग्री करता हूँ. आपने एक बात की थी कि जरदारी को हम क्यों बैकबाइटिंग करते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है. मैं आपको बता दूँ कैसे. अगर मैं आपको लाइक करता हूँ मैंने ये नहीं कहा कि जरदारी को बैकबाइटिंग ना करो. ना मैंने ये कहा कि जरदारी को बैकबाइटिंग करो. मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया. आपकी बात सही है, लेकिन एक तो शख्स होता है ना कि अगर आपकी मैं जात के ऊपर बोल रहा हूँ तो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं आपको सिलेक्ट करके लाया हूँ, अगर किसी पोस्ट पे मैंने आपको कुछ दिया है तो मैं आपसे आप उस चीज के अकाउंटेबल हूँ. आप वो सारी चीजें हमें बताओगे कि किस वजह से. तो बैंक बैटिंग जो कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि वो गलत कर रहे हैं. हमने क्या किया वो सही बात है कि भाई आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे. लेकिन हम जिन्हें सिलेक्ट करके लाए हैं अपनी बेस पे, तो हम उनसे अकाउंटेबल तो ना, वो कम से कम हमें बताएंगे तो सही ना कि आपने क्या किया क्या नहीं किया. देखो तुम्हारी बात यहाँ तक बिल्कुल वैलिड है. वो एक शेर है या जिसका मफहूम कुछ यूं है कि एट अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस मैं उन लोगों से खफा नहीं था जो लोग मेरे अगेंस्ट थे. मैं उन लोगों से खफा था जिनको पता ही था कि ये लोग गलत हैं और वो मेरे साथ नहीं थे. सही है. मैं ये नहीं कह रहा जटाई साहब बहुत अच्छे हैं, जटाई साहब बहुत बुरे. जटाई साहब के खिलाफ हम कुछ कहेंगे तो फायदा हुआ. बिल्कुल. मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इंडिविजुअल अगर मैं एक आम आदमी, मेरे पास इतनी ताकत नहीं, ना मेरे पॉलिटिक्स कनेक्शन है, ना मैं किसी को पॉलिटिक्स में जानता हूँ. मैं अपने आम लेवल पे क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे पाकिस्तान की ग्रोथ हो. जहाँ तक जरदारी का ताल्लुक है, मैं इतना बड़ा लेवल पे क्यों नहीं, मैं जरदारी को जाके चैलेंज कर सकूँ. भाई तुम क्या कर रहे हो. हाँ, चैलेंज करने में फायदा. लेकिन मैं अकेले अपने लेवल पे व्हाट एम आई डूइंग कि मैं पाकिस्तान के लिए बेहतर के लिए काम कर सकूँ. सही बात है. मैं सिर्फ इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ. देखो जरदारी कुछ भी कर रहा है, इमरान खान कुछ भी कर रहा है, नवाज शरीफ कुछ भी कर रहा है, ठीक है. जरदारी इज इलेक्टेड. व्हाट्स डन इज डन. You can't undo it. It's done. तो मैं अब बेहतर के लिए क्या कर सकता हूँ. मैंने इमरान खान के बारे में कितनी रिसर्च कर ली कि हाँ यार अगर मुझे उसको वोट देना है तो वाकई इजी द राइट का है. मैं उसके दिल से मैं गया था सुनामी के अंदर कि मेरी अम्मा ने बोला नहीं बेटा वहाँ हालात खराब हो सकते, तुम नहीं जाना. तो मैंने अपनी अम्मा की बात सुनी, बोला अच्छा मैं नहीं जाऊँगा. मैं कितनी दफ़ा वो जो सिलसिला आया था या जो हमारी पूरी इंटीरियर में इफेक्ट हुआ था, मैं कितनी दफ़ा मदद करने नहीं जाना. मैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी बातें कहता हूँ. मैं कितनी दफ़ा वहाँ पर मदद करने गया, लेकिन मेरी अम्मा ने बोला बेटा तुम इकलौते बेटे हो तो कहीं नहीं जाना. मैंने जी अच्छा यार अम्मा ने मना कर दिया, कैसे जा सकता हूँ. सही बात. लेकिन सर हम चाह के भी पॉलिटिक्स से दूर नहीं हो सकते. वो मैं यही बता रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट बीइंग दूर फ्रॉम, इट्स अबाउट व्हाट आई एम डूइंग. एग्जैक्टली. जब मैं खुद कुछ करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ऐसे लोग मिलाएगा मुझे जो वाकई मेरी हेल्प कर सकते. कल के सेशन में अगर आप बोले तो बड़े भाई ने सीक्रेट की बात की थी और सीक्रेट की स्ट्रेटेजी ये थी कि एवरीथिंग अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है कि आप कुछ भी आपको चाहिए उस दुनिया में तो इट विल ऑटोमेटिकली काम करेगा. पहली सोच होती थी यार पैसा आना चाहिए होना चाहिए, लेकिन फिर आहिस्ता ही इवॉल्व एंड टुडे ही इज हैव ही हैव अ फीलिंग कि यार पैसा डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स हाउ कंटेंटेड यू आर, हाउ हैप्पी यू आर, व्हाट मेक्स यू हैप्पी. इफ पैसा मेक्स यू हैप्पी देन देयर इज अ इशू. तो हमारी एक सेक्शन हो इसमें गोल सेटिंग के ऊपर, ड्रीम सेटिंग के ऊपर, उसके बाद ये होगी व्हाट मेक्स यू हैप्पी. अच्छा चलो यार तुम मैंने एंड थ्री ऑलवेज कहते हैं कि इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी हैंग ऑन विद दोस गाइस हु आर रियली हैप्पी. इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल लुक अराउंड द गाइस हु आर सक्सेसफुल एंड फॉलो देम. एंड इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनर, इफ यू वांट टू बिकम अ रिच, देन लुक व्हाट पुअर पीपल आर डूइंग एंड डोंट डू दैट. सिंपल. जबरदस्त.
बोला आपके जो आपका पैशन है उसमें आपकी हेल्प करें। मैं यहाँ आया हूँ सबका मैं कह रहा हूँ यहाँ सर के बारे में और हर चीज़ के बारे में, तो इंशाल्लाह शेयरिंग और कैरिंग होती रहेगी। नहीं नहीं बिल्कुल, हम हर कोई किसी ना किसी फील्ड से आ रहा है, हर किसी में कुछ ना कुछ पावर क्या है वो बता सकते हैं। हम हर हर आदमी यहाँ पे यूनिक है, हर किसी में कुछ ना कुछ बताने के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। सर आपका पैशन, कल आपकी बात हो रही थी आप क्या करते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें करते हो, विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी इंस्पायरिंग। मेन ऑब्जेक्टिव है लाइफ में ये कि इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं और बहुत सारे बुरे लोग हैं, बहुत सारे बुरे लोग मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग गैर मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं। हर अच्छे लोग जो हैं वो छोटे छोटे सर्कल्स में काम करते जा रहे हैं और अंदर होने लगे हुए हैं काम, उन सबको आपस में मिलने की और कलेक्टिव डायरेक्शन की जरूरत है। उस बुरे लोग जो मुनज़्ज़म काम कर रहे हैं उनको किसी छोड़ा आगे उनसे आगे करेंगे, तो वो कलेक्टिव डायरेक्शन और उसके लिए छोटे छोटे प्लेटफॉर्म में जाके समझता हूँ, उनको ऑपरेट करता हूँ, नए सिस्टम सोचता हूँ किस तरह से उनकी क्या चीज़ हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इस मसले पर बात कर सकते हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान बनने वाला था ये आइडिया था सर, तो तब जिना भी एक वक्त डीमोटिवेट होकर चले गए थे, और फिर एक नेटवर्कर था जिसने नेटवर्किंग की इन सब पॉजिटिव पावर्स की और उन सबको मिला के और डायरेक्शन दी, एक कलेक्टिव डायरेक्शन दी वाला हमें, तो वो उन सब पॉजिटिव पावर्स को आपस में नेटवर्क करना ये उस वक्त की ज़रूरत थी। अगर वो एक यानी कि बड़ी बसीरत बड़े कैनवस में सोचने वाला कोई ना होता तो फिर वो सब डिमोटिवेट होकर चले जाते या अपने अपने सर्कल्स में छोटे छोटे काम करते रहते और वो टाइम भी लगता रहता। तो यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है कलेक्टिव डायरेक्शन और नेटवर्किंग एक प्लेटफॉर्म। आज आपके पास यानी अच्छे खासे लोग होंगे आपके नेटवर्क के अंदर जो वाकई में काम करें, मुझे फेसबुक पर ऐड करो, मुझे बड़ी ज़रूरत है हमारे लोगों को। अच्छा जी आज का हमारा आज का हमारा आइडिया ये है, मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, मैं सीट पे नहीं बैठूँगा फिर देख रहा हूँ। आज मैंने तुम सबसे पैशन का पूछा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज मुझे पता चल जाए कि तुम सबका पैशन क्या है। तो एट दी एंड ऑफ द सेशन जब हम ये पूरा एक महीने का कोर्स खत्म कर लेंगे तो ये लास्ट यू अगेन कि आपके पैशन में कुछ चेंजेस आई या कुछ, जैसे मैम ने बोला कि उनको वुमेन के लिए काम करना है, अपना एनजीओ बनाना है, इंशाल्लाह रियली लाइक टू नो क्या क्या चेंजेस आए। प्लस हमारा जो एम है आप सबको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाना है सुपर टेक्नोलॉजीज के अंदर, आप हमारे लिए ये सब सिखाने के पर्पज़ ये कि या तो आप पाकिस्तान के लिए भी अच्छा काम करें हमारे लिए भी अच्छा काम करें, तो हु आई वुड लाइक टू जॉइन अस they are more than happy to do so। जैसे एग्रीकल्चर का सेक्शन है तो रेहान एग्रीकल्चर के नाम से स्टार्ट है और यू ऑलरेडी हैव दैट। कमिंग बैक आज का मेरा एम ये है कि मैं अपने बारे में थोड़ा आप लोगों को बताऊँ, जैसे शायद ने बताया था कि मैं कैसे यहाँ पे आया और दूसरा सुपर टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन उनके सुपर टेक्नोलॉजीज का भी किया है। सुपर टेक फाउंडेशन और सुपर टेक्नोलॉजी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, सुपर टेक्नोलॉजीज इज अ डिफरेंट पार्ट एंड सुपर टेक फाउंडेशन इज अ डिफरेंट पार्ट। मैं यहाँ पे हायर हुआ था 2005 में, जनवरी 3rd वॉज माई फर्स्ट डे और मेरा इंटरव्यू लिया था वो शायद मलिक साहब ने। तो जब मैं आया तो मैंने बीकॉम का पेपर दिया था और सीए मेरा साथ चला था, सीए फाउंडेशन में। जब मैं आया मैंने बोला यार मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था रेहान साहब को ऑनलाइन, उन्होंने बोला भाई आ जाओ। अच्छा मेरा सिग्नेचर था मैं नमाज पढ़ो से पहले नमाज पढ़ी जाए ऐसा कुछ, हॉटमेल का अकाउंट था मेरा पाकिस्तानी इंडस्ट्री 52 और उसका सिग्नेचर था नमाज पढ़ो से पहले नमाज पढ़ी जाए। शायद ने इंटरव्यू लिया मैं आया तो बोला भाई अभी से आ जाओ, मैंने बोला एग्रीकल्चर के अलावा पैशन क्या है आपका? एग्रीकल्चर पैशन है बेसिकली और उसी को प्रमोट करना है। बचपन से शौक था एग्रीकल्चर? नहीं बचपन से शौक था, ड्राइव हुआ शौक बचपन से नहीं था, इट वॉज ड्राइव व्हेन आई वाज फोर्सली गिवन द सब्जेक्ट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, उसके बाद ड्राइव हुआ, पीपल मेक मी ड्राइव देयर
बस ड्रॉइंग का शौक होता है क्योंकि एक टेंशन रिलीज होती है। मैं यही कहती हूँ कि कभी भी आपको भी सीट डालते हैं ना तो आपको हर रोज आना उसको देखने का दिल करता है कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इसमें से फ्लावर आया, फ्रूट क्या हुआ, तो उससे काफी टेंशन रिलीज होती है। पर्सनली एग्जाम भूल जाते हैं और हाँ कि कुछ अचीवमेंट का एहसास होता है कि चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग और एक चीज मिल जाती है आपको। ये वही बात है जिस तरह हमारे यहाँ पे जो अगर एक प्रोडक्ट चल रही है और कोई कस्टमर आता है बोलता है यार बातें वी आर डूइंग समथिंग और कोई कस्टमर ज़्यादा बड़ा ऑर्डर सेकंड टाइम आता है तो बोलते हैं यार रियली वी आर रियली डूइंग समथिंग, तो अचीवमेंट का एहसास होता है कि यार हाँ रोज मॉर्निंग में उठ के यार आज मेरा टारगेट क्या है, आज मेरा टारगेट है कि 5 कस्टमर मेरे वही हों जो कम से कम $1,000 तक का रेवेन्यू मुझे दें, उस तरह का अचीवमेंट के बाद खुशी ही सुनते हैं। बट अफसोस होता है जब इंटीरियर जाती हूँ वहाँ का जो माहौल और सर्कल देखकर ना कि मतलब वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, हालांकि हम कह रहे को पाकिस्तान इज अ बचपन से लेके पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान इज अ एग्रीकल्चर कंट्री बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनीथिंग, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक लगता है, तकलीफ होती है मुझे पर्सनली देखकर कि मैं खुद पर्सनली इंडिविजुअल तौर पे कुछ नहीं कर पा कर पा रही हूँ या करना चाहती भी हूँ, तो बट सिर्फ जो पूछते हैं खुशी से मैं उनको पूरी नॉलेज जो मेरे पास है वो देना चाहिए, जो मेरे पास है तो नहीं भी पता होता मैं रिसर्च करके 10 लोगों से पूछ के जो मेरे टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी में जो मतलब मेरा अभी भी लिंक है तो मैं उनसे पूछ के बता देती हूँ कि ये आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, कोई कॉल करता है तो बहुत खुशी होती है, बट जो नई चीज डालने की कोशिश करती हूँ ना वो उनमें बहुत अभी ड्रॉबैक ये मुझे लगता है। इसके बारे में एक बात क्लियर करना चाहूँ कि थोड़े अरसे पहले अब तो खैर नहीं अब तो मेरी सोच बदल चुकी है, जब जरदारी साहब सदर बने थे यार ये हमारी कंट्री को क्या हो गया, ये ऐसा आदमी जो पता नहीं कितने अरसे तक उसमें जेल में रहा है वो हमारी कंट्री के लिए क्या करेगा। तो एक साहब बड़े मेरे अबू के दोस्त हैं बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहे थे, हाँ बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप माशाल्लाह आपने MBA कर लिया, आपने CA फाउंडेशन कर लिया, आपने पता नहीं क्या क्या कर लिया, आपने क्या किया है पाकिस्तान के लिए। मैं रोज सुबह उठता हूँ जॉब पे जाता हूँ और मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे पूरी इकनॉमी को फ़ायदा होता है, अच्छा उसमें आपका आप किस नियत से करते हो, अपने फायदे के लिए करते हो तो पाकिस्तान के फायदे के लिए करते हो, कल को अगर आपको बोले से वैसे काम में लगे हो जिससे पाकिस्तान का फायदा हो आपका फायदा नहीं हो तो आप करोगे नहीं, तो बोला फिर आप किस किस हक से कह सकते हो कि यार जरदारी खराब है, ये खराब है, ये वो खराब है, आप भी इतनी खराब हो, आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में 4 घंटे का लेक्चर दिया जिसमें कुछ इन्वॉल्व किया था कि यार देखो उसमें मैंने आपकी यही बातें की थी, हर जगह चैलेंजेस है, हर जगह लिटरेसी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने बोला बेटा ये चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस आर नॉट ऑलवेज कि आपको वो पीछे करें बल्कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल अगर इलिटरेट है सामने तो जैसे मैं अभी एक हफ्ता पंजाब में होकर आया हूँ उसमें पहली दफ़ा मैंने गंदम की फसलें देखी हैं, मेज़ की फसल देखी है, आई वाज सो एक्साइटेड, उन्होंने मुझे मैंने बोला ये इतने बड़े बड़े पौधे होंगे काटो उसको पता नहीं इसके ऊपर एक और चीज़ निकलेगी अभी झालर टाइप का, उन्होंने अच्छा वो आई वाज वेरी एक्साइटेड क्या वाह अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, और फिर उन्होंने बताया अगर बारिश हो गई तो फसल ख़राब हो जाती है, तो मैं उसे ये सेटेड किया है ऐसा भी होता है ज़बरदस्त, मैं खुद खेतों में उतरा, खुद मैंने उसे अपने हाथ से उसको काटा हार्वेस्टर की जगह अपने हाथ से, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड किया है, पहली दफ़ा मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलनी है, मैं देख रहा हूँ। इसमें कुछ पंजाबी साहब आए, मेरा उनसे इंट्रैक्शन हुआ जो किसान होता है, उसने बोला ये है वो है सब खराब है, गंदा नहीं खराब है, ये खराब है वो खराब है, जितनी देर में मुझे पंजाबी ज़रूर आ गई थी इतनी कि मैं उनसे कम्युनिकेट कर सकूँ, एंड दिस इज ओनली 1 वीक, उस 1 वीक में भी 3 दिन या 4 दिन में गुजरात में रहूँगा, उतनी देर में मुझे पंजाबी आ गई थी और मैंने अपनी उसमें सिखाया कि यार आप
की ब्रांडिंग करें अपने प्रोडक्ट को। आप किसान हैं, आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है, व्हाई डोंट यू रीब्रांड योर प्रोडक्ट, अपने नाम से लॉन्च करें। एक जमीन को तो नदी के साथ में अच्छी खासी जमीनें होती हैं, अगर एक जमीन का पैसा भी हो सकता है मार्केटिंग में लगा दे तो वो कहाँ से कहाँ पड़ जाएगी। फिर मेरी जो इंट्रैक्शन रही है एंग्रो के लोगों से रही है, एंग्रो क्या करती थी शुरुआत में एज ए सी एस आर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाके कुएं लगाती थी, वेल लगाती थी, स्पॉन्सर्ड बाय एंग्रो, स्पॉन्सर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने भी यही बताया शुरुआत में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट वेन यू इंट्रैक्ट विद देम, वो एक तो बहुत मेहमान नवाज होता है, चाहे सिंधी वाले हों पंजाबी वाले, तो अब क्योंकि मेरे पास ये वाला बेनिफिट भी था तो मौलवी साहब की बात सुनी, आज मौलवी साहब कुछ कह रहे हैं, तो हम शुरू करते थे अल्लाह के नाम से, खत्म मार्केटिंग और कॉर्पोरेट को भी। तो इस तरह फायदा ये हुआ कि दे रियली लिसन, और मैंने देखा मतलब वो एक पर सारे हो सकते हैं, सारे आपकी बात बोले बेटा ये तो लड़का है इसकी बात क्या सुननी, हमारे खुद का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन चार लोग वापस कर आए अगले दिन आए जहाँ मैं रह रहा था कि सर आपकी बात बहुत अच्छी थी और ये हमारे साथ एक और इनको ही बताए, तो मैंने उनको भी उसके मोबाइल के अंदर वीडियो डाल के दे दी कि ये मैं कहता, और वो फेसबुक पे आज मेरे साथ इंटरेक्टेड, उनके बच्चे वो किसान खुद तो नहीं उनके बच्चे। तो यू हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज, डोंट थिंक ऑफ देम एज ए चैलेंज, बल्कि थिंक ऑफ देम एज एन अपॉर्चुनिटी, एंड यू विल सी कि यार बाकी कुछ हो सकता है। यहाँ पे खुशी इस बात की होती है कि काफी जितना सिंध का बहुत सुना था प्रोग्रेसिव फार्मर्स काफी आए हैं जो कि बाहर से पढ़ के आए हैं और यहाँ पे इंटीरियर सिंध में काम करें, अपनी जमीनों पे वापस आए एंड दे आर लीविंग देयर फार्म्स और उस पे काम भी करना चाहते हैं एंड दे आस्क आवर हेल्प। ये खुशी होती है देखिए, और सिखाना चाह रहे हैं, अभी स्टार्ट हुआ है सिंध में ना, ये अभी रिसेंट में बता रही हूँ जो जिसमें मेरा इंटरेक्शन हुआ था, हम लोग भी काफी पढ़ी। अब जैसा उनको बेचारों को ये नहीं होता कि उनको वेदर फोरकास्टिंग का पहले पता चल रहा है, तो जब मैंने सर जहाँ से बात की थी तो उनका तो उसमें अगर पता होता है तो तुम किस तरह फैला था, मुझसे अगर पूछते हैं या SMS इज अ बेस्ट सोर्स, तो उस तरह सबको फॉलो, जितनी भी टीम है फार्मर्स की उनको SMS कर दिया। अब तो फार्मर्स के पास कुछ कंपनीज ने उनको मिनी लैपटॉप्स दे दिए, तो वी जस्ट ईमेल इट या उनको कुछ जो भी डालवाना हो या पेस्ट स्प्रे करना तो उस तरह कर देते हैं, बट फिर भी कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच पाता ना, जिस तरह सेल फोन तो मतलब मस्ट है सबके पास गांव में, SMS तो आ ही जाएगा, तो उस पे मेरी उनसे बात की थी आंसर, तो उनका इफ यू हैव दिस थिंग तो तुम आओ हमारे साथ ज्वाइन करो और वी विल मेक यू इस तरह एग्रीकल्चर की, अगर तुम्हें है तुम्हें लगता है पैशन है तो तुम इस तरह सुपर टेक्नोलॉजी के थ्रू आ सकते हो। आई एम जीरो इन आई एम नॉट दैट गुड इन उन्होंने किसी को भी एफ स्पेस रहने का वाला क्या हुआ यस सर क्या एफ स्पेस रहने का ये रहने वाला बॉस की प्रोटेक्ट किया गया है। तो होता ये है कि वो जब भी अपडेट करते हैं अगर आपने एफ स्पेस रहने वाला क्या हुआ है तो आपके पास उस अपडेट की वो आ जाएगी, ट्वीट आ जाएगी। तो अब सोचो सारे फार्मर जितने भी आपसे इंट्रैक्टेड हैं और आप उनको भी नॉलेज देना चाहते हो, तो आप डेली का अगर रोज 5 करोगे तो वो शायद बुरा लगे, लेकिन रोज का एक भी ऐसा अगर आप ट्वीट कर दोगे तो दे वॉन्ट माइंड, और उनको समझ में आएगी यार क्या मसला है, अगर वेदर खराब होने वाला है क्या अभी फसल नहीं काटना, तो इट विल बी बेनिफिट फॉर देम। ऑल यू नीड टू डू इज ऐप स्पेस योर ट्विटर आईडी। थैंक यू मैम। आप इससे पहले मैं हेरिटेज फाउंडेशन में कर चुकी हूँ इंटर्नशिप यासमीन दादा के साथ। औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, जब हम लोग अर्बन एरिया में रहता है पता नहीं मिला किस तरह यही होता है औरतों के साथ, जिंदगी भर ये नहीं करना, फोकस एक चीज़ पे नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है कि रोज सुबह के